वो कैसे हो सकती है? मुझे ऐसा क्यों लगा? नहीं, वो तो मर गई है। अगर वो जिंदा होती तो दुनिया में इतनी खामोशी नहीं रहने देती। आप सोए क्यों नहीं अब तक? ताकि तुम सुकून से सो सको। तो सुबह हो गई है। मैंने तुम्हें मना किया था कि हम वहां नहीं जाएंगे, फिर भी तुम तैयार क्यों हुई? आपकी इज्जत रखने के लिए। अच्छा, अगर मेरी इज्जत रखने गई थी तो ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? कौन सा तमाशा? क्या किया है मैंने? तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कह रहा हूं। नहीं, अच्छा तुम्हें वाकई नहीं पता? तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है कि तुमने हमारे खानदान की कितनी इंसल्ट करवाई है? प्लीज सोहेल, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपके खानदान में सारे पारसाई पड़े हैं। बकवास बंद करो अपनी। सोहेल, मेरे सर में बहुत दर्द है और मैं इससे कोई बहस नहीं चाहती। देखो, हम राइत के ससुराल से वापस आ चुके हैं। तो अपनी ये बीमारी और बेहोशी का ड्रामा बंद करो। आपको लगता है कि ये सब ड्रामा है? हाँ तो, और क्या है? आपसे तो मैं बातें बात करूंगी। हम आपसे कह रहे हैं फोन मिलाएं और आप हमें देखी जा रही हैं। आपने शैला का चेहरा देखा था जब हाजरा ने उनके बेटों में कमी वाली बात कही थी? ये वक्त इन बातों का नहीं है, फोन मिलाएं, हाजरा की खैरियत पता करें। मुझे तो समझ में नहीं आती कि शैला अपनी बहू को टॉलरेट कैसे करती है। मैं अभी भी कह रही हूँ देख लें, कहीं हाजरा भाभी की बात सच ना हो। बेटा डोंट वरी, हम बाद में इस पे डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। हमें इस पे डिटेल डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? हमें पता करना चाहिए वो ये सब क्यों बर्दाश्त कर गए। हमें इस बात से इत्मीनान होना चाहिए कि सारा की होने वाली सास इतनी टॉलरेंट है। आप लोगों ने नोटिस किया था कैसे सुहेल हाजरा की हर बात को कवर कर रहे थे? लेकिन फिर भी मामा, अगर देखो बेटा, आजकल वो दौर तो रहा नहीं कि शादी करते हुए माँ बाप बेटियों से ये कहें कि तुम्हारा जनाजा ही वापस आना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि हाजरा को अगर वाकई कोई प्रॉब्लम होता तो अब तक डिवोर्स ले चुकी होती। अच्छी खासी पढ़ी लिखी वेल ऑफ लड़की है और शैला की टॉलरेंस की वजह है सुहेल। जब बहू के सामने बेटा ही ढाल बनकर खड़ा हो जाए तो बेचारी सास क्या करेगी? उसके पास तो कोई रास्ता नहीं रह जाता ना।
क्यों मुस्तफा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ आपकी मामा ठीक ही कह रही है बेटा।